हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, दैट नेम इज द एड्रेस। तो इस सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा यहाँ से देखेंगे। देखिए ध्यान से, आफ्टर माय फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसी डोलिंग हाउस। देखिए, जो मेरा फर्स्ट विजिट था वो क्या हो गया था, व्यर्थ चला गया था डोलिंग हाउस। आई डिसाइडेड टू ट्राई द सेकंड टाइम। मैंने क्या किया, सेकंड टाइम जाने का निर्णय लेती हूँ मैं। नाउ द गर्ल वॉज अबाउट 15, ओपन द डोर टू मी। अब जो है, किसने खोला दरवाज़ा, 15 साल की लड़की ने खोला था। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे क्या पूछा, क्या उसकी माता घर पर है। नो सी सैड, उसने कहा नहीं, माई मदर डूइंग एंड अर्न। मेरी माता क्या हो गई है, जरूरी काम से गई है। इसका मीन्स होता है, देखिए अर्न का मीन्स क्या होता है, जरूरी काम से जाना। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सैड, मैंने कहा आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए प्रतीक्षा कर लूँगी। मैंने क्या कहा, मैं उसके लिए प्रतीक्षा कर लूँगी, मैं उसके लिए प्रतीक्षा कर लूँगी। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। आई फॉलोड द गर्ल, मैंने क्या किया, लड़की को फॉलो किया अलोंग द पैसेज, गलियारे में मैंने लड़की को, मतलब अर्थात मैं उसके पीछे पीछे कल चल दी। जैसे उसने दरवाजे खोला, आयरन, अभी जो आ रहा वर्ड इसमें हनुखा कहते हैं समाधान, क्या कहते हैं समाधान जो था, ठीक है, आयरन का जो समाधान था। कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कंबरसम। कंबरसम कहते हैं भद्दे, हमने इनको प्रयोग नहीं किया क्योंकि भद्दे हो गए थे। देन सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल चिराग, सिंगल चिरागदान की अपेक्षा। तो अब देखिए, वोंट यू सीट डाउन, आज तकल तुम बैठ क्यों नहीं रही हो भाई, लड़की ने कहा तुम बैठ क्यों नहीं रही हो। सी हेड ओपन द डोर, उसने क्या किया, दरवाजे को जो है ना, दरवाजे के पास से होकर निकली वो इन लिविंग रूम में। एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और मैं क्या कर दिया, आई इन साइड पास्ट हर, और मैं पास से होकर निकली। आई स्टॉप्ड हॉरीफाइड, देखिए आई स्टॉप्ड हॉरीफाइड, हॉरीफाइड कहते डर के कारण, मैं डर के कारण स्टॉप हो गई, मतलब। आई वॉज इन रूम, मैं कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, कुछ नहीं, मैं जानती थी, डिड नॉट नो कुछ। देखिए क्या कहना चाह रहा, मैं जानकर भी, इसका मतलब ये होगा कि आई नो डिड नॉट नो, मतलब मैं जानकर भी अनजान हो गई। सामान तो देख लिया उसने अपने पर, वो जानकर भी अनजान हो जाती है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को पाया वस्तुओं के बीच। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी। बट विच ऑपरेस्ट मी इन द स्ट्रगल एटमोसफियर। देखिए ओबेश मैंने विचित्र माहौल से परेशान होना, मैं विचित्र माहौल से क्या हो गया था, थोड़ा सा परेशान सा हो रही थी। और बिकॉज ऑफ, क्यों, कारण क्या था, टेस्टलेस वेरी एवरीथिंग्स वॉज अरेंज। देखिए जो बेकार से ढंग से सारी चीज़ें बेकार से ढंग से अरेंज की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, देखिए जो फर्नीचर था एंड मग्गी स्मेल दैट हंग्स देयर, गंदे जो है स्मेल थे वे सब, वहाँ फर्नीचर भी कैसा हो रहा था, सब गंदा संदा हो रहा था। अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है वो। आई डू नॉट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैंने क्या है कि देखा चारों तरफ, देखा बहुत ही इसका असली रूप से, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, वो चारों तरफ देखती है। द गर्ल मूव्ड द चेयर, लड़की किस में मुड़ती है, चेयर की तरफ मुड़ती है। आई सेट डाउन एंड स्टेरेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ जाती हूँ कहाँ और तकतक लगा कर देखती हूँ, जो वुलन क्लॉथ टेबल था उसको तकतक लगा कर देखती हूँ। आई रबड़ इट, मैंने उसको रबड़ कर लिया, मैंने रगड़ लिया। माई फिंगर ग्रो वार्म्स विद रबिंग, मेरी उंगली जो है क्या हो गई, गर्म हो गई, मेरी उंगली क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। अब देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं। आई फॉलोड द लाइन्स, मैंने लाइन को फॉलो किया, पैटर्न को,
Somewhere the egg were should be burn mark that never been repaired. एक burn mark देख ले जिसको कभी repair नहीं किया गया था. My mother will be back soon. मेरी माता back आएगी शीघ्र ही. Shared the girl, लड़की ने कहा मेरी माता आने वाली है, मतलब ये वाली बात कही उसने. I have already made tea for her. मैंने उसके लिए चाय बना ली. Will you have a cup? क्या तुम भी चाय पियोगे? Thank you. उन राइटर कहते हैं नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, धन्यवाद. अब देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं. I looked up. मैंने देखा. द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टेबल टी. जो लड़की है किसको तैयार कर रही थी, जो टेबल टी है उस पर, मतलब क्या बोलते हैं, टेबल पर चाय लगा दी उसने, ऐसे मतलब है. सी हैड ब्रॉड बैक. ब्रॉड बैक माने चौड़ी पीठ वाली, वो भी चौड़ी पीठ वाली. जस्ट लाइक हर मदर, जैसे उसकी माता की चौड़ी पीठ थी ऐसी उसकी भी थी चौड़ी पीठ. सी पोरिड टी फ्रॉम द वाइट पॉट. उसने क्या कर लिया, चाय को उड़ेल दिया. कहाँ से? वाइट पॉट से. ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. देखिए ऑल इट हैड गोल्ड बॉर्डर, उसमें क्या था कि सोने का बॉर्डर चढ़ा था. आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया. सी ओपन द बॉक्स, उन्हें बॉक्स को खोला. टुक सम स्पून आउट, और उसमें कुछ चम्मच निकाला. दैट वॉज वंस दैट द नाइस बॉक्स. वो कैसा था? नाइस बॉक्स था. आई हेड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी स्वयं की आवाज़ सुनी. आई वॉज स्ट्रेंज वॉइस, इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, वो बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस थी. एज दो इस साउंड्स वॉज डिफरेंट इन द रूम. वो क्या है कि जो प्रत्येक साउंड थी वो डिफरेंट थी कमरे में. ओह आई नो, मैं जानती हूँ. वॉट अबाउट दैम, वो क्या है? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट माई टी. वो मुड़ी और टी लाई मेरे लिए. सी लाफ्ड, वो हंसी. माई मदर सेज, मेरी माता कहती है. इट इज एंटिक, ठीक है. मेरी माता क्या कहती है? इट इज एंटिक, माने ओल्ड फैशन स्टाइल है. एंटिक कहता हूँ ओल्ड फैशन स्टाइल. वी वर गोट लॉस्ट मोर, ठीक है. हमारे पास कोई और भी है, मतलब वी हैव गोट लॉट मोर, माने हमारे पास और भी है इसके अलावा. सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने चारों तरफ पॉइंट किया रूम को. शी फॉर योर सेल्फ, और देखा. आई हैड रीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे क्या है? आई हैड नो रीड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं थी हैंड को फॉलो करने के, हाथ को देखने की. आई नो विच थिंग्स, मैंने जाना है जो विच थिंग्स सी मीन्स. देखिए क्या कहना चाह रहे हो. विच थिंग्स सी मीन्स, आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ, मैंने शांति से देखा. ओवर द टी टेबल को. एट द चाइल्ड हैड ऑलवेज फ्रेंड्स, जैसे कि जो चाइल्ड जो होता हैड ऑलवेज फैसिंड द एपिल ऑन द पेटर प्लेट. अब देखिए क्या कहना चाहते हैं, मतलब पेटर प्लेट कहते हैं कांसे की प्लेट को. एपिल जो मैंने आकृति देखी, मतलब एपिल की कांसे की प्लेट पर उसकी बात कर रही है राइटर ने, अर्थात कांसे की प्लेट पर सेव क्या करती देखी, ऐसे मतलब है. आई हैड फाउंड, मैंने क्या किया? आई हैड फाउंड, मैंने पाया. क्या पाया? बर्न मार्क ऑफ द टेबल क्लॉथ. टेबल क्लॉथ पर बर्न मार्क पाया. द गर्ल लुक्ड द क्वेश्चनली एट मी, लड़की मुझे क्वेश्चन मतलब संदेह से देखती रही. यस आई सेड, मैंने कहा हाँ. यू गेट सो यू टू टचिंग ऑल दी लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम्स एनी मोर, यू ओनली. देखिए मैंने क्या कहा, यू गोट टू सो यू टचिंग ऑल द थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक देम एनी मोर, यू ओनली. अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा. यू ओनली नोटिस वैन समथिंग इज मिसिंग. देखिए समथिंग इज मिसिंग, मतलब कुछ मिस है. बिकॉज, क्योंकि इट इज रिपेयर्ड. रिपेयर्ड माने मरम्मत, रिपेयर कहते हैं मरम्मत करना. बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब उसको मरम्मत करानी होती है क्योंकि ये उधार दिया है, ऐसे कहना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या कहना चाह रहा. आई अगेन हियर्ड द, मैंने क्या सुना दोबारा से? अननेचुरल साउंड सुनी ऑफ माई वॉइस, मैंने अपनी वॉइस के अननेचुरल साउंड सुनी. आई वॉन्टेड ऑन, मैं आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर माई मदर्स वंस आस्क्ड मी, मेरी मैं
मतलब मैंने फिर पुनः याद किया जो माता जी मुझसे कह जिस जो माता जी ने मुझसे कहा था मेरी, इफ़ आई वुड हेल्प हर पुश द सिल्वर, यदि मैं हेल्प करूँगी उनकी क्या करने के लिए, पॉलिश द सिल्वर करने के लिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय तक रहेंगे, एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, पर हैप्स आई हैड स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, एज सी हैड नेवर आस्क मी बिफोर आई आस्कड हर विद सिल्वर, मैंने उससे पूछा क्या विद सिल्वर सी मीट, उसका क्या मतलब है, सी रिप्लाइड, उसने मतलब उसने आश्चर्य दिया, सरप्राइज आश्चर्य दृष्टि से आश्चर्य से, दैट वॉज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइव, ये स्पून्स है फॉक्स ऑफ फोर्स, दैट आई वॉज द स्टेंज थिंग्स, दैट वॉज द स्टेंज थिंग्स आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, द कुरवली वी एट ऑफ एवरी डे इन सिल्वर, द गर्ल लाफ अगेन, लड़की पुनः हंस जाती है, वी बैट यू डोंट नो इट इज इधर, यू डोंट नो इट इज इधर, तुम नहीं जानती हो, ठीक है, ऐसा शर्त लगा सकती है, तुम नहीं जानती हो, आई लुकड इंटेंटली, मैंने ध्यानपूर्वक देखा एट हर उसको, वॉट वी एट विद सी आस्क्ड, क्या खाती हो तुम इससे, क्या खाती हो, मैंने सी उसने पूछा, वेल ठीक है डू यू नो, तुम जानती हो, सी हेसिटेटेड, वो हिचकिचाई, सी वॉक्ड टू द साइडबोर्ड, वो साइडबोर्ड की तरफ गए, एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रा, और खोलना चाहती है ड्रा, आई विल लुक, मैं देखूंगी, इट इज हियर, यहाँ है, आई जंप, मैं जंप कूद गई, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल गई, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी, सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रा, उसने अपना हाथ ड्रा पर रखा, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माता की प्रतीक्षा नहीं करोगी, क्या तुम मेरी माता की प्रतीक्षा नहीं करोगी, नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना होगा, आई मस्ट गो, मैंने मुझे जाना है, आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई, द गर्ल पुल्ड द ड्रा, उसने दरवाज़ा वो ड्रा को खोला, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैंने अपना रास्ता पा लिया, ठीक है, एज आई वॉकड ड्राउन द पैसेज, जैसे मैं पैसेज की तरफ गई गलियारे में, आई हेयर द जिंगलिंग स्पून्स एंड फोक, मैंने आवाज़ सुनी इनकी जो चम्मच वगैरह थी, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड, कॉर्नर पे क्या देखा, देखिए एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप द नेम ऑफ द प्लेट, मैंने नेम प्लेट को देखा, वही मार्कोनी स्ट्रीट, इट सैड इट हैड बीन नंबर, वही द नंबर 46, द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल ठीक था, बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर, मैं उसको याद नहीं करना चाहती, इट इज एनी मोर, अब मैं उसको ज़्यादा नहीं याद करना चाहती थी, I would not go back there, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं क्या है वापस नहीं जाऊँगी, बिकॉज क्योंकि द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन माई मेमोरी, क्योंकि जो द फेमिलियर फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, अब वे क्या है कि उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, पुराने जो सामान थे सर्व्ड फ्रॉम माई, यू कैन, और वे क्या है कि जो दुखी करेंगे, यू कैन सी देम अगेन इन स्टैंड सराउंडिंग, तुम उनको देख सकते हो क्या पुनः स्टैंड सराउंडिंग में, चार तब गिरे मतलब अजीब तरीके से, एंड व्हाट शुड आई हैव टू डन, मुझे क्या करना है विद देम, उनके साथ क्या करना है, इसमें रेंटेड रूम, वेयर द देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, श्रेड कहते हैं जो कागज़ पर कागज काले पकड़ कर फट गए थे, जो कागज़ है वे काले पकड़ कर फट गए थे, पेपर पर स्टील हंग्स अलोंग विंडो नो मोर देन हैंडफुल द करेंटली फिटेड, विंडो वगैरह भी सब खराब हो गई थी, एंड ये क्या कहना, आई रिसोल्ड फॉरगेट द एड्रेस, अब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरा जो पता है वो भूलने का इरादा था, वो क्या कहना चाह रही है यहाँ राइटर, देखिए रिसोल्ड कहते हैं, मतलब मेरा जो आई रिसोल्ड टू फॉरगेट माई एड्रेस, फॉरगेट द एड्रेस, मेरा एड्रेस भूलने का इरादा था, ऑफ कोर्स थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मैं वास्तव में उन वास्तुओं को जो भूल चुकी थी, दैट वुड बी अ लिस्ट, जो पहली वस्तुएं थी मैं उनको भूल चुकी थी, तो नहीं है।